मैं जब भी रेवाड़ी आता हूं तो कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण है, ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। मैं कल ही दो देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती हैं, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है। भारत ने G20 का सफल सम्मेलन किया तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ।
10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना, ये भी आपके आशीर्वाद से हुआ। और अब मुझे अपने तीसरे टर्म में अब मुझे आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योतिसर में कृष्णा सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे हैं कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।